अब एक दिन मेरी फाइट में रह गया है, अगर ये फाइट मैं नहीं जीत पाऊंगी तो मैं फाइनल में नहीं जा पाऊंगी, और ये फाइट जीत कर ही मैं कुछ दुनिया को दिखा सकूंगी, अपने घर वालों को बता सकती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी फाइट को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, एक एमेचर फाइट से एक प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ। मेरे पापा बोलते रहते हैं कि गुरलीन अपने पापा का सपना पूरा करेगी, इसलिए जो फाइट आई है अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ मैं। There's too much at stake for me if I lose this. In my life, if there's been one thing which I really wanted to do, this is my moment. It's up to me to go and grab it. SFL challenge मैं अपनी family के लिए जीतना चाहता हूँ। मेरे लिए main है ये fight जीतना, क्योंकि ये fight जीतने बाद में final में enter करूँगा। और मैं एक स्टेप और पार कर सकूंगा जिस मकसद के लिए मैं आया हूं। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो फिर हम ब्रीफिंग के लिए गए। तभी हमने देखा कि राज सर आ रहे हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था कि आज के दिन राज सर किस लिए आ गए। नॉर्मली वो हमेशा चैलेंज वाले दिन आते थे और उसके बाद जिस दिन फाइट होती थी और फाइट से एक दिन पहले। गुड मॉर्निंग चैलेंजर्स। गुड मॉर्निंग सर। माय फाइटर्स, माय सेमी फाइनलिस्ट। आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो एक बहुत बड़ी बात है। अभी जो करने वाले हो हैज टू बी ऑन अनदर लेवल। ऑब्जर्व, वॉच, लिसन, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एक गेस्ट है जो यहाँ पे आपके साथ दो दिन रहेगा। We kind of got like really anxious. I got anxious and wondering like, you know, who's it? SFL 1 champion Mohammed Shahid. I was really glad that it's him because he's young, just like me, you know. We could get along really together and I'm guessing stuff like that, you know. बहुत अच्छा फील हो रहा था कि एक चैंपियन के साथ हम दो चार दिन के लिए रहने वाले हैं। इसका केज का एक्सपीरियंस, इसका प्रोफेशनल फाइटिंग एक्सपीरियंस, इन द केज, आउट ऑफ केज, स्पेंड सम टाइम विद हिम, लर्न व्हाटएवर यू कैन, एंड आई कंटिन्यू विद योर ट्रेनिंग, हैव फन, एंड आई विल सी यू एट द वेन्स टुमारो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लेट्स गो रनिंग। फर्स्ट डे ही कम्स एंड ही इज लाइक वी आर गोना ट्रेन। I'm like, seriously, you're gonna train us first day? I want you to keep going in this rhythm. One, two, one, two. One, two, pop, pop. I'm putting my step in. So, one, two, pop, pop. Get that step out. One, two, one, two. Yeah, beauty. Just be sure your form. Andrew is looking really good. He's got all the well-rounded thing. He just needs to sharpen a little more on his technique. जब इसे मारते हैं ये नीचे मत लाओ। One, two, beauty. One, two. She has a good boxing background, I guess. Her hands look good. She's doing fine with the hands. Oi, 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 oi. Get in. Come from inside. अगर मेरा हाथ इधर है, आप इधर से पंच करेगा तो लगेगा नहीं, सीधा अंदर से। शाहिद से ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लगा और रिंग में कैसे खेलना है वो चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। Think your opponent is going fast. What are you gonna do? You gotta go faster. Are you gonna give up there? No, you gotta go faster. You gotta go faster. Speed up, speed up. Nice, looking good, looking good. What I was teaching them today is not to fight safe, not to fight defensive. What I was teaching them is techniques which are explosive, which needs to knock the other person out, you know? Rajit and me, you know, we're not great friends, we're not enemies, but then we have a mutual kind of respect for each other. मेरी फाइट है आज, वो भी फर्स्ट टाइम फाइनल। दिमाग में बस सिर्फ यही चल रहा था कि आज किसी तरह ये फाइट जीत जाऊं। दोनों एक दूसरे के सामने ज़्यादा अपनी टेक्निक शेयर नहीं करना चाहते। दे होल्ड बैक लिटिल बिट देयर टेक्निक, देयर पावर। आई कांट प्ले टू मच ऑफ काउंटर गेम बिकॉज ही आई नो ही इज मच बेटर एट मी एट काउंटरिंग।
मेरा गेम स्टैंड अप का है तो मुझे कोशिश ना करूं कि वो मैं उसकी टेक्निक में फंसूं और ग्राउंड में जाऊं। In the ring too, it might be a violent game, but it doesn't necessarily mean I'm a violent person. It's all in the sports. She need to strike before kicks and she don't do that. I only want to fix today her kick because it's very bad. No, straight. Wow, not like. Better, much better. उन्होंने मुझे बोला है कि अगर फाइट करो तो हमेशा पंच के साथ को स्ट्राइकिंग के साथ फिर किक दो तो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा पावर से लगेगी। You will really give me that? She's going and you do this. Never. Why she will do that. This? Monica will do that. That's her thing. See? Hands inside. Hands she inside. She want to grab. मुझे मोनिका दी का जो strong point है, जैसे वो grappling करते हैं, वो throw लेते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे escape करना है। Yes, yes. खाने में मेरी काफी help कर रहे थे इसमें, कि मैं जो जो अपनी weakness है वो इसको improve करूँ, क्योंकि यही वीकनेस पे बाद में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेंगी मोनिका दी के अगेंस्ट। टुमारो द फर्स्ट फाइनलिस्ट गेट्स डिसाइडेड। बहुत अच्छी तरह लड़े आप, ये इतना क्लोज फाइट पूरे सीजन में अभी तक नहीं हुआ। फाइनली इट्स टाइम फॉर द विंस। मोनिका वाज ईगरली वेटिंग फॉर दिस टाइम। हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है वेन देना, क्योंकि अगर जरा सा भी वेट ज्यादा या कम आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पहला वेन है सेमीफाइनल का, वेरी इंपॉर्टेंट वेन टुडे। टुमारो द फर्स्ट फाइनलिस्ट गेट्स डिसाइडेड। ये सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, सिर्फ दो फाइट का फासला और SFL सीजन 1 का चैंपियन गेट्स अनाउंस्ड। Let's start with the ladies' weigh-in. Sanya, please take over. Fighters, Monica. जब वेट मशीन पे चढ़ी तो पॉइंट शुरू हुए तो मेरे को लग रहा था कि जैसे कहीं मेरा वेट एकदम से ऊपर ना चल जाए। 55.8. Monica makes weight. मेरे को भी अच्छा फील हुआ कि मैंने इस बार अपना वेट सही दिया है। Berlin. Berlin makes weight. Face off, girls. मैंने ही नहीं सोचा कि भी वो मेरी दीदी हैं या कुछ हैं, बट लेकिन मैंने ये सोचा कि अब मैंने फाइट करनी है कैसे भी करके। And now for the first semi-finalist, male weigh-ins. Dan, please take over. First fighter, Isaac. Isaac makes weight. Next fighter, Rajinder. 70.4. Rajinder makes weight. Fighters face off. न मेरी आँख झपकी ना आइजैक की आँख झपकी थी, हम लोग एक दूसरे को आँखों आँखों में देखने लग रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब नेक्स्ट फाइट होगी वो मैं ही विन करूँगा। Into shape, mind, body and soul. I wish you all the best. See you tomorrow, guys.
को आते देखा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं रोने लग गई एकदम से। भाई अब तो बेटे अपनी जिंदगी सवारने वास्ते आए हुए हैं इतने बाजी पर, रोना थोड़ा होता। एक वो खुशी थी भी इतने दिनों बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिल रही हूँ। बहुत खुशी हुई तेन मिल के। मैंने भी पापा। तो मैं सपना देख रहा हूँ, सपना नहीं हकीकत ही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जीत कर आएगी, आगे ओलंपिक में जाएगी, हिंदुस्तान का नाम रोशन। मेरे को आस है मेरी बेटी मेरा नाम निकालेगी। अगर वो मेरे लिए सपना सोचते तो मैंने उसको उनको पूरा करना है, क्योंकि आज जो मेरे लिए वो कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और जो मैं उनके लिए कर रही हूँ वो बहुत कम है। रोना नहीं, तो पता है फिर अब हमारी रात कैसे गुजरेगी। फैमिली से मिलने के बाद मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका था, अभी मेरे को ये डर नहीं लग रहा था जो मेरे को पहले लग रहा था कि मैं कैसे फ़ाइट करूँगी। अब मैं फुल कॉन्फिडेंट थी इस बारे में कि मैंने फ़ाइट करनी है, अब जीतनी है अपने पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है वो अपना 9 मिनट्स के फाइट में दिखाना है बस। मेरे को ये फाइट जीतने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये फाइट जीतूंगी तो ही मैं फाइनल में जाऊंगी। मेरे पापा मुझे हमेशा ही बोलते हैं कि हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा जो वीक पॉइंट है उसको कभी भी किसी आगे शो मत करो, और जो तुम्हारा गेम है सिर्फ वही खेलना। मेरा दिमाग यहीं पे चल रहा था कि कैसे मैं मोनिका दी को हराना है, अभी कैसे भी करके अपनी फाइट लड़नी है और सेमीफाइनल जीतनी है और फाइनल में पहुंचना है, क्योंकि यही स्टेप है। यहाँ पर हमें बहुत पहचान मिल रही है कि यहाँ से निकलने के बाद हमें इतनी दुनिया जानेगी, तो वो दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ हूँ। बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा मौका मुझे मिला है जो मैं खोना नहीं चाहती। Welcome to SFL Challengers. आज है पहली सेमी फाइनल फाइट। आज के फाइटर्स कुछ ब्रेव फाइट्स जीतकर यहां तक पहुंचे हैं। आज हमें मिल जाएंगे हमारे दो पहले फाइनलिस्ट। तो चलिए उनसे मिलने से पहले मिलते हैं हमारे केज साइड गेस्ट से। आज हमारे साथ है फिटनेस लवर्स देमसेल्व्स आर माधवन एंड शमिता शेट्टी। Say hello to them, please. आज की पहली फाइट है लड़कियों के बीच में और दोनों ही पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं। So, ladies and gentlemen, let's meet the fighters. Ladies and gentlemen, SFL Challengers proudly presents. In the red corner, standing at 5 feet and 3 inches, and weighing in at 56.2 kilograms, representing Punjab. Put your hands together for the power girl, Firli Chahal! And her opponent, in the blue corner, standing at 5 feet and 3 inches tall, and weighing in at 55.8 kilograms, representing Punjab, put your hands together for Monica है बॉयज की फाइट की। ये इतना क्लोज फाइट पूरे सीजन में अभी तक नहीं हुआ।
Fighters to the center. Obey my instructions all times. Keep it clean. Touch gloves. Corners. Fighter ready? Ready? Timekeeper? Fight! That's a hard body kick. She's changed the game. See, even the last time. The last time she was inside. Now she's in full mount. This is what Sanya taught her. Much better. My God, the standards have really gone up. The level is raised. Well done. Fight! That clap was for the last 10 seconds. It's gonna finish now. Yes, 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 yes. Big round. Good round. Very nice round. Monica, punch le, punch gun le, degi. Una punch le, put. Punch le, fight le, lo. Thalle aaya gripping sir. Punch le, banna. Punch le, aaya chhatna nahi ya. बहुत अच्छे खेल रहे गुरु तू बहुत ज्यादा बस उस पे यही है ऐसे डिफेंस रख अपने आप में और जो वो खेलती है ना ऐसे खेल दिया गार्ड रखी गार्ड ऊपर तक आसी दी ब्लीडिंग कर ब्लीडिंग ब्लीडिंग कर करी मोना मोनिका पंच क्यों ले रही पंच ले नाल थोड़ा ला पंच दे नाल डरना नहीं है चढ़ के खेलना कुछ नहीं होगा बराबर अभी देख दो ऑन तक किस तो गेम चल इट्स लाइक वेरी हाई क्वालिटी सीनियर कॉर्नर कॉर्नर Timekeeper. Fight! Jada pichene, jada pichene. Jada pichene. Oh, jada ha. Jada ha, khade rao. Khade rao, khade rao. Yes, well, yes. Monica's establishing control. Good lean is down. Stop.
Don't pull her shirt. Don't hook your legs. Don't hook your toes. Hip hop. Last 10 seconds. Use the left heel. Don't hook your toes. Great. That's a very close round. Very good, yeah. That's a very close round. Time. Fighter. Ready. Fight. Deduction. Fight. Last 10 seconds.
Let's clap. दोनों फाइटर ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है फाइट को, और जैसे गुरलीन को खेलना था, जैसे स्टैंडिंग में खेलना था, मोनिका का स्टडी यही थी कि उसे जाए ग्रैपलिंग करना और उसे टेक डाउन करना, पर गुरलीन ने स्टार्टिंग से एंड तक उसे मौका नहीं दिया, एक दो बार मौका दिया फिर भी वो निकल गई। बहुत अच्छी तरह लड़े आप, और वहाँ बैठ के मुझे तो मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कौन जीता कौन हारा, ये इतना क्लोज फाइट पूरे सीजन में अभी तक नहीं हुआ। अब बारी है बॉयज की फाइट की। बहुत ही तगड़ी फाइट दिती है, तुसी दिखाता है कि पंजाब इज जस्ट नॉट अबाउट मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, इट्स जिगरा एंड दैट्स व्हाट यू गाइस ब्रिंग एंड इट वाज वंडरफुल टू वॉच यू गाइस। व्हाट डिड यू थिंक? I think all of us were so engrossed in the fight and it was a very close one because I seriously could not understand, you know, who's going to win this one. Both of them were so good. Madhavan, what do you think? Gurleen, Monica, first of all, aap logo ko ring mein dekhkar mera dil zyada dhadak raha tha. Ye sirf फाइटिंग के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में हर एक जो चैलेंज आप फेस करने वाले हैं उसके लिए एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है, और मुझे बड़ा गर्व है कि आप लोग दोनों आए। वेल डन यार, ग्रेट फाइट, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा गर्व है आप दोनों पर। वेल डन टू बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छी तरह लड़े आप, और वहाँ बैठ के मुझे तो मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कौन जीता कौन हारा, और ये आज का फाइट जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल रहा है, ये इतना क्लोज फाइट पूरे सीजन में अभी तक नहीं हुआ। द जजेस हैव मेड द डिसीजन। Judge Vivek scores the bout 29-28. Judge Elliot scores the bout 29-28. Judge Mohan scores the bout 29-28. And the winner by unanimous decision is Gurleen in the red corner. मैं जब जीती मैं बहुत खुश हुई, और अभी फाइनल के लिए मैं तैयारी करूंगी और कोशिश करूंगी कि फाइनल में भी मैं ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस दूँ। आज इतनी बड़ी मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी है जो निकल चुकी है, तो बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी कोई बात नहीं, अगर इतना तो पता ही, एक हारेगा और एक जीतेगा, तो इतना थोड़ा सा फील हुआ बाद में, ये था कि हाँ भाई यहाँ से मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, यहाँ पे एक हार नहीं, यहाँ से मेरी एक जीत की शुरुआत शुरू हुई है। No, I just picture myself, okay, this is what's going to happen, and I imagine moves in my head, I imagine him throwing punches and then me ducking it, weaving it. 25 लाख मिलना एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है, टीवी पे भी आ रहा हूँ, लोग मुझे पहचानेंगे भी, तो दिमाग में यही चल रहा था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे SFL में मिला है, मुझे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। I saw my sister walking in with my brother and my niece. Really happy to see my niece. She was one person I really wanted to see for a long time. High five, so she does. High five. All right, whatever happens, you just have to be strong, right? Do it. The only thing which is on my mind is, I wouldn't want to fall short of the expectation. They wish me well, they want me to do good, and I would try as best as I can to do that. SFL challenge, main apni family ke liye jeetna chahta hu. In the ring, it's not me against him, it's me and my training against him and his training. Hey, how are you? I don't have to tell you the importance of today's fight. You win straight in the final. Abhi seedha final mein pahuncho, family ka naam roshan karo, apna naam roshan karo. Aur SFL mein, there's a long journey for you. And keeping it simple, knockout submission, 50 kg goes again. Okay, go for it. I wish you all the best.
Good luck. अब बारी है बॉयज की फाइट की और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है क्योंकि एक तरफ है वुशू में ट्रेन्ड हमारे फाइटर और दूसरी तरफ है एसएफएल चैलेंजर्स के अंडरडॉग. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मीट द फाइटर्स. इन द रेड कॉर्नर, स्टैंडिंग एट 5 फीट एंड 10 इंचेस एंड वेइंग इन एट 17.4 किलोग्राम्स, रिप्रेजेंटिंग दिल्ली. Put your hands together for Raj Kundra. And his opponent in the blue corner, standing at 5 feet and 7 inches, and weighing in at 68.8 kilograms. Power from Manipur, put your hands together for Isaac Carrillo Maho. Fighters to the center. Follow my instructions at all times. Keep it clean. Touch gloves. Corners. Timekeeper ready. Fighter, you ready? Ready? Fight! Last this round. Second round.
smart fighter. Rajinder is a smart fighter. You look good in the movies, but in the cage, you've got to be a bit sensitive. Got him. Rick! Connors! Come on, drink up. Wipe it off. You need good preparation, you're saying. It's just a light nose shake. Chuck it, alright? Connect right or left. You're working too much from the outside, all right? You need a close distance. And come in, close the distance, boy. Close that distance. And break that leg. This time, you break that leg. First load, then face. Timekeeper. Stay in your corner. Ready? Fight! Nice, quick get up, very fast. Break! Got him in a choke, he gave up. Very close, my God. The blue corner jinx, broken for the second time. This is MMA. Crocodile choke, man. He worked the crocodile. I was afraid in one moment that he would not. Yeah. Because he's got dangerous hands. Yes. For sure he's got dangerous hands. First round Rajinder jeet raha tha. Second round jitna tak chala Rajinder hi jeet raha tha. Agar Rajinder sirf hand se khelta first round ya second round ko aaram se nikal sakta tha. Bad luck Isaac ne use choke kar diya to ye uske bad luck hai. Right, what a fight, Raj. That was definitely the semi-final level that you were looking at. Absolutely. Like to say something? मैं तो अभी भी recover कर रहा हूँ fight देखकर. पहली बार ऐसा लगा कि अगर कोई हार रहा है, कोई मार खा रहा है, तो मैं खा रहा हूँ और कोई जीत रहा है, तो मैं जीत रहा हूँ. So results over to you. Absolutely, great fight. And the winner by submission in the second round by rear naked choke, 2 minutes and 9 seconds. In the blue corner, Isaac. I'm happy I've come this far. I'm happy the way things have worked out for me.
and I still hope for the best. तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैं इतनी दूर आकर अब मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने घर पे, ना मैं अपनी फैमिली का नाम कर पाया, ना जो कोचिस ने मुझे सिखाया यहाँ पर वो टेक्निक यहाँ यूज़ कर पाया, तो बहुत ज़्यादा दुखी था मैं. और जो हर फाइट के बाद होता है कि दो लोगों को घर को छोड़ के जाना पड़ता है, वो टाइम आ चुका था. मेरा और मोनिका का नंबर था. से ज़्यादा मेहनत की है और लास्ट पॉइंट पे आके हार जाओ तो फील तो होता ही है. राजिंदर जब पैक कर रहा था, हम सबसे पहले मैं अंदर आके बैठा, सिर्फ मैं उसको बार बार कह रहा था मगर साले छोड़ दिया तूने साथ. सारी चीज़ एक साथ की हम दोनों ने, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भाई दोस्त जा रहे हैं, अच्छा फील नहीं हुआ. भैया, एंड्रू, आइज़ैक, प्रियंका, मंजीत, गुरिन, आई मिस यू सभी को. कोचेस ने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, खुद लग रहा है कि मेरे में गेम में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो मैं यहाँ पर बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ. टीडियो से नीचे उतरा, गेट की तरफ चल रहा था किस, लेकिन सामने केज था. ये वही केज है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं. लोग मुझे देखेंगे आने वाले टाइम में और लोग मुझे पहचानेंगे. जब मैं कहीं से जा रहा हूँ तो लोग कहेंगे वो ये वही राजिंदर जा रहा है जो SFL में था. जब मैं घर से वॉक करके बाहर आ रही थी, थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, यहाँ से मैं चैंपियन बनकर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती के कारण कि मैं लास्ट राउंड नहीं खेल पाई, तो उसके कारण मैं जा रही हूँ. Are you guys ready for some fun? Yes, yes, yes. आज के दूसरी सेमीफाइनल नाइट.